हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं टेक विद एमके। तो आज मेरे पास एक पार्सल आया है जिसको मैं अनबॉक्स करूंगा आपके सामने। इस पार्सल में है मेरे पास MI का वाईफाई एक्सटेंडर। सो दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द चीपेस्ट वर्जन एंड चीपेस्ट मॉडल दैट यू कैन गेट फ्रॉम MI। सो या दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू अनबॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एंड शो यू हाउ एग्जैक्टली इट इज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट डू वी हैव हियर, एक बॉक्स है, बॉक्स में वाईफाई सारा कुछ चाइनीज में लिखा है। यहाँ पे कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ये भी चाइनीज में है। वाईफाई प्रो है, समथिंग इज देयर। सो करता क्या है, सिंपल है। आपके पास जो वाईफाई राउटर है उसमें एक ये एक्सटेंडर लगा दिया तो ऑब्वियसली उसकी जो सिग्नल है उसको ये इंक्रीज कर देगा, उसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ होगी उसको इंक्रीज कर देगा। ये 300 Mbps के लिए है, ये 1 Gbps के लिए नहीं है। सो अगर आपका कनेक्शन स्पीड ऑलरेडी स्लो है यू कैन यूज दिस। मेरे पास 1 Gbps का कनेक्शन है, स्टिल आई एम ओके विथ 300 Mbps। अगर वो बेडरूम में आ जाए मेरे तो दैट इज गोइंग टू बी जस्ट ओके फॉर मी। सो इसलिए मैंने मंगवाया है। अब ये है वाईफाई प्रो, लेट्स ओपन दिस अप। इसका मॉडल नंबर वगैरह कहीं लिखा हुआ दिख रहा होगा, अगर मुझे तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मुझे कहीं दिखा नहीं क्योंकि सारा कुछ चाइनीज में है। इसको ओपन करते हैं। ओके, बॉक्स की क्वालिटी कोई खास नहीं है एज एक्सपेक्टेड फ्रॉम MI। ये इसके कागज पत्र हैं, इसमें अंदर सब कुछ ऐसी भाषा में लिखा है जो सब मैं पढ़ सकता हूँ, एवरीथिंग आई कैन रीड। तो इसको तो साइड में रख देते हैं। अब आ जाते हैं रियल डिवाइस पे। ये है डिवाइस और ये जो सॉकेट है ऑब्वियसली ये कंपैटिबल नहीं है, ना इंडिया में चलेगा ना मेरे पास यहाँ पे चलेगा। मुझे कुछ और आगे लगाना पड़ेगा इसमें तब ये चलेगा, ये चाइनीज सॉकेट ही है इसमें। ओह, लेट्स ओपन दिस अप, खुल जा सिम सिम। तो ये सीधा वॉल सॉकेट में लग सकता है वैसे तो, लेकिन हाँ ऑब्वियसली अब इसमें एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें वो देख के यहाँ पे नज़र आ रहा है, साफ तरीके से अनबॉक्सिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। ओके, ये काफ़ी छोटा सा डिवाइस है, इसके दो एंटीनाज हैं। आई बिलीव एक रिसीवर एक सेंटर की तरह काम कर सकता है और हल्का है, लाइट वेट है। आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू परफॉर्म, बॉक्स में और कुछ नहीं है तो बॉक्स में ये स्पेस बचा सकते थे, उन्होंने बचाया नहीं है, विच इज़ ओके, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट। तो बॉक्स और ये पैकेट, बस इतना ही था ये अनबॉक्सिंग में, और कुछ नहीं है। इसको प्लग इन करके देखेंगे, इसको सेटअप करके देखेंगे और देन थोड़ा मैं आपको रिव्यूज़ भी दूंगा कि एक्चुअली में ये काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज़ परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस वाइज कैसा है। सो नाउ दिस इज द डिवाइस, मैंने इसके पीछे प्लग लगाया सो दैट ये सॉकेट में चला जाए। उसको सॉकेट में किसी में मैं प्लग इन करता हूँ और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैंने डिवाइस जो है वो वॉल पे प्लग इन कर दिया, उसकी एक ब्लू कलर की लाइट पे वो ब्लिंक हो रही है। एक ये एप्लीकेशन है जो आपको डालनी होगी MI होम नाम से, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें लॉग इन किया हुआ है मैंने, आप नॉर्मली रजिस्टर कर सकते हैं अपने ईमेल आईडी के थ्रू या फिर फेसबुक के थ्रू डायरेक्टली भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो ये ऐड डिवाइसेस का ऑप्शन है, ऐड डिवाइस के अंदर मुझे सेलेक्ट करना होगा। तो ये वाईफाई एम्पलीफायर नाम का है, वहाँ पे एक MI वाईफाई रेंज एक्सटेंडर आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। व्हेन एडिंग द वाईफाई एक्सटेंडर प्लेस इट क्लोज टू द राउटर विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, मैंने रखा हुआ है अच्छी पोजिशन पे है, ये मैंने कर दिया है ऑलरेडी करके आया हूँ मैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा नेटवर्क है और नेटवर्क का पासवर्ड क्या है, ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर लिया मैंने, नेक्स्ट किया है। उसके बाद कनेक्ट योर फ़ोन टू, अच्छा ये फ़ोन को अभी मुझे पहले जो यहाँ पे शो मी राउटर करके आ रहा है उससे सेटिंग्स में जाके कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वाईफाई में जाऊँगा मैं, लेट्स सी, ये आ रहा है रिपीटर, मैंने इससे कनेक्ट किया और कनेक्ट करके मैं वापस इस पर आ गया। Device connected, message sent to device, connecting device to network. एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मेरा वाईफाई अभी जो आ रहा है सिग्नल फोन डिवाइस के अंदर भी, ये रिपीटर वाला सिग्नल है वो थोड़ा सा लो आ रहा है और मेरा जो नॉर्मल वाईफाई का सिग्नल था वो थोड़ा तेज था। आई डोंट नो हाउ एग्जैक्टली इट इज गोइंग टू वर्क। डन, ये पूछ रहा है मैंने कहाँ लगाया है, मैं इसको लिविंग रूम में ही लगाया है। नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड, एक्सेप्ट। मैं _plus नाम से इसने बनाया है। एक वाईफाई रोमिंग का ऑप्शन है लेकिन मैंने सुना है कि ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता, वो मैं आपको रिव्यू में बताऊंगा। अगर आप सिग्नल स्ट्रेंथ देखेंगे, करंट पोजीशन एंड सिग्नल आर गुड सिग्नल स्ट्रेंथ, कोई ऑप्शन खास है नहीं। मतलब यहाँ पे हाइड कर सकता हूँ मैं इसको, कनेक्टेड डिवाइस इन्फो के अंदर जाऊँगा तो कोई ऑब्वियसली कनेक्टेड नहीं है। करंटली मेरा वाईफाई देख लेता हूँ मैं कौन से कनेक्टेड है।
करंटली मेरा मयंक से ही कनेक्टेड है और स्पीड टेस्ट कर लेते हैं क्विकली, लेट्स सी। तो ये मेरे बेडरूम में जो मैं बोल रहा था स्पीड कम आती है और वाईफाई कनेक्टिविटी इश्यूज आते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्पीड आ रही है डाउनलोड की 67.3 और अपलोड आ रही है 41.1 विच आई फील इज फेयरली लो। अब कनेक्ट करते हैं जो हमारा एक्सटेंडर है उसके साथ और चेक करते हैं कि उससे कितनी स्पीड आ रही है। अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ये कह रहा है कि ये वीक सिक्योरिटी है विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, अभी स्पीड टेस्ट करते हैं। सिग्नल अच्छा है, सिग्नल स्ट्रेंथ जो है पहले वाले से बेटर है। तो अगर आप देखोगे तो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली टॉप है, बट जो डाउनलोड स्पीड आ रही है वो 18.9 Mbps आ रही है और जो मेरे पास पहले आ रही थी वो 67 थी। तो इट कुड बी कि प्लेसमेंट जो है इसकी वो चेंज करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अभी राउटर के पास है या कुछ है वो चीज़ मैं आपको रिव्यूज़ में बताऊंगा। बट अभी फर्स्ट इंप्रेशंस आई एम नॉट रियली वेरी हैप्पी विद व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। जो स्पीड है वो कम आ रही है उसके साथ मैं खुश नहीं हूँ। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड एज वेल एज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू टेक विद MK, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट मैं वीकली बेसिस पे लेके आता रहता हूँ। अनबॉक्सिंग साथ में कुछ टेक्नोलॉजी का नया नया कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू विद दोज टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर डेली लाइफ। सो डू सब्सक्राइब टू टेक विद MK। थैंक यू गाइस।